आपके सामने एक फोटो आ रही है, ये देखो ये कौन सी फोटो है, किसकी फोटो है, आपको क्या दिख रहा है, तो मातम क्या मातम दिख रहा मनाते हुए लोग कुछ जो छारू छुरी चाकू से अपनी पीठ को घायल कर रहे हैं। ये ना मातम जो दिख रहा है ना आपको, ये मातम नहीं, ये जो है अगर आप फ्लिकर पे सेल्फ फ्लैगेलेशन अगर सर्च करें या कोई भी इमेजेस की वेबसाइट में, तो आप ये देखोगे कि ये क्रिश्चियंस है, ये ऐसी बहुत सारी फोटोज है उनकी, क्रिश्चियंस है ये, क्रिश्चियंस, और कुछ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस जो है ना, कि जीसस के क्रॉस पे जो सफरिंग हुई, वो सफरिंग को याद करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपने आप को क्रिश्चियंस क्या करते हैं, मारते हैं, ये आप देख सकते हो, और बाइबल में ये बात सिखाया गया है। अगर आप बाइबल में देखोगे, देखो बाइबल के कोटेशंस है पूरे, ये चार अलग अलग कोटेशंस मैंने दिया है, आइजाया के और जेरेमिया, ल्यूक, न्यू टेस्टामेंट ल्यूक में भी, के ऑन दैट डे द लॉर्ड्स कॉल्ड फॉर वीपिंग एंड बीटिंग द द ब्रेस्ट, मारना अपने आप को, सीना सीना पीटना, शेविंग द हेड एंड पुटिंग ऑन द सैक क्लॉथ, हाँ, और ये दिया है स्ट्रिप योरसेल्फ बेयर, उसके नीचे कि अपने अपने लिबास उतारो, पुट अ क्लॉथ अराउंड यू एंड बीट योरसेल्फ, अपने आप को मारो। तो ये बाइबल में आपको अलग अलग वर्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये मातम का जो कल्चर है सिस्टम, हकीकत में अगर आप देखोगे अलग अलग टाइप के मातम होते हैं, और कुछ लोग काला कपड़ा पहनना, ये भी एक टाइप का मातम है उनका, जो मजलिस होती है नोहा की मजलिस, रोना उसके अंदर, बहुत रोना, और कपड़ों को फाड़ना, और सीना जनी, अपने सीने को पीटना, यहां तक आके पूरा लाल लाल काला हो जाए, लाल हो जाए काला हो जाए, जंजीर जनी में जंजीर से अपनी पीठ को मारते हैं, जंजीर आप देख रहे हो ये, और इसके अंदर इस तरह से तलवारों से अपने पीठ को मारना, हाँ, तो ये आप देख रहे हैं पीछे तलवारों से अपने आप को मारना, और ये तदबीर क्या है, कमाजनी, कमाजनी यानी अपने सर पे छुरी लगाना। अच्छा मैं बोल दूं, जो कमजोर दिल वाले हैं वो शायद अभी थोड़ी देर, 1-2 मिनट के लिए अपना कैमरे ना दिखे, कैमरे की तरफ ना दिखे, तो ये देख रहे हैं आप कि ये इस तरह से अपने सर को मारना, ये कोई नेकी है, हाँ, चेहरे पे मारना, आप देख रहे हो चेहरे पे मारना, और इस तरह से खून बहाना, तो ये आप देख रहे हो। यहां तक आके सिचुएशंस में आप देखोगे कि बच्चों को भी, ये जो देख रहे हैं आप फोटोज, बच्चों को भी मारना इस तरह से, बच्चों को भी खून लहूलुहान करना, ये भी अनेक टाइप की नेकी समझी जाती है। तो यहां पे हम सवाल पूछते हैं कि आखिर में क्यों करते हैं शिया मातम, क्यों करते हैं? तो उनका कहना यह है कि हुसैन रदलानों की मौत को का गम, उसकी शोक में, मतलब गम है उसके शोक में उसकी वजह से, और ताकि याद करें कि जो तकलीफों से हुसैन रदलान गुजरे, उनकी फैमिली गुजरी, उनके फॉलोअर्स गुजरे, हाँ, तो ये तो हम देखते हैं कि उस चीज को याद करने के लिए, उसकी याद को लोगों के दिलों में जगाए रखने के लिए, और वो कहते हैं कि हमारा मकसद है ताकि हुसैन रदलान पे जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी को हाईलाइट करने के लिए, और ये हुसैन रदलान की मोहब्बत की एक निशानी समझी जाती है। तो हम ये सवाल पूछता हूं, मैं अब सवाल पूछना चाह रहा हूं सबसे पहले कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ जुल्म हुआ नहीं हुआ? ऐसे जुल्म की मिसाल मिलती है नहीं मिलती है? तो हाँ मिलती है, मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम पर कितने सारे जुल्म हुए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुमैया और यासिर रदलान हुमा, जो पहले शहीद थे ना इस्लाम के, उनकी मौत के बाद कभी मातम किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने मातम किया? क्या उसका कोई प्रेसिडेंट मिलता है कि वो लोगों ने किया? क्या हमें मिलता है कि बड़े बड़े सहाबा की मौत हुई, हमजा बिन अबी अब्दुल मुत्तलिब रदल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जैद बिन हारिस, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुई? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम किया? तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम नहीं किया तो कोई आज कैसे कर सकता है? और आगे आप देखिए कि अगर ये अच्छी चीज होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमें सिखाए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर सिखाए होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इंतकाल हुआ, हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मातम नहीं सिखाया। तो आप खुद देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, सहाबा इकराम ने मातम किया, तो वो तो और बड़ी चीज है। तो हम शिया हज़रात से ये भी पूछते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पे मातम नहीं कर रहे हैं वो दिन, और हुसैन रदिल्लाहु के इंतकाल पे मातम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि किसका मकाम और बड़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 70 सहाबा शहीद हो गए थे, 70 सहाबा शहीद हो गए थे उहुद में, कोई मातम नहीं किया, तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पे मातम नहीं, तो अली रदिल्लाहु का इंतकाल हुआ, उनका मकाम तो और हुसैन रदिल्लाहु से ऊंचा है, तो उनके इंतकाल पे मातम नहीं है। शहीद जो उहुद के हुए, उनके लिए कोई मातम नहीं है। अगर ऐसा कोई मातम करेगा, ये सारी चीजों का मातम करेगा, तो फिर क्या होगा मालूम है?
फिर ये होगा कि रोज कोई ना कोई चीज के लिए मातम करना पड़ेगा। और आप कुरान में देखोगे, कुरान में ये बात जिक्र है, आप देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 61 है, और ये बात कई जगहों पे कुरान में जिक्र है, नीचे हवाले दिए हुए, सूरह आल इमरान की 112 नंबर की आयत, सूरह आल इमरान की 181 नंबर, सूरह निसा की 155, अल्लाह ताला ने बताया ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, जो बनी इसराइल थे वो अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, और नबियों का कत्ल किया करते थे ना हक तरीके से, नबियों का कत्ल किया करते थे। फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला ने नबियों के कत्ल का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्हें मातम करना चाहिए, लोगों को मातम करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा। अगर आप देखोगे असहाबुल उखदूद के ऊपर सूरह बुरूज की आयतें हैं जिसके अंदर दिया है कि ऐसे मुसलमान जो ईमान पर पुख्ता थे और जिन्हें जिंदा जला करके जिंदा जला दिया जालिम बादशाह ने, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ना मातम करने कहा है ना उस चीज की तारीख जिक्र की है, क्योंकि अगर कोई मातम करना भी चाहता है तो उसको तारीख भी मालूम नहीं है, नबियों का कत्ल हुआ किस तारीख को हुआ ये भी जिक्र नहीं की, नहीं तो कोई ना कोई कर सकता था मातम वगैरह उस दिन, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की जो कत्ल हुआ, जो असहाबुल उखदूद का वाकया हुआ, कोई तारीख जिक्र नहीं है। तो अब देखिए अगर अगर ऐसा करने जाए मातम तो रोज मातम दिन बन जाएगा, रोज मातम करना पड़ेगा। और आप खुद सोचो कि हुसैन रदिल्लाहु अगर आज जिंदा होते तो क्या वो पसंद करते, क्या वो पसंद करते कि इस तरह से कोई अपने आप को मार रहा है, कोई अपने सीने को पीट रहा है, अपने सर पे छुरी चला रहा है, पीठ पे छुरी चला रहा है, क्या वो पसंद करते? तो क्या इस तरह से क्या कोई पसंद करता कि अगर आपके फैमिली के कोई शख्स का इंतकाल हो जाए, अगर सोचो कि आपके फैमिली, या सोचो अगर आपका इंतकाल हो और आपको पता चले, अगर आपको मौका मिले, जो मौका नहीं मिलने वाला, जाने के बाद वापस नहीं आता कोई, लेकिन किसी को पता चले कि मेरे फैमिली मेंबर मातम कर रहे हैं तो खुश होगा क्या कोई भी? क्या हुसैन रदिल्लाहु अगर होते तो क्या खुश होते ये सब देख करके? तो कोई खुश नहीं होता इस तरह से, कोई खुश नहीं होता इस चीज से। और आप देखो कि अगर कोई शख्स नेक है, जब कोई नेक है, हुसैन रदिल्लाहु की नेकी तो बिल्कुल हम देखते हैं, नवासे रसूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप देखो कि उसमें कोई नेक काम कि भाई किसी भी नेक काम के अंदर इंसान शरीक हो, बट ये टाइप का जुल्म जो है, ये टाइप का अपने ऊपर जुल्म करना ये जायज नहीं है। अब इसमें जो एक मेन बात है, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये वो लोग हैं जो गुजर चुके, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे, वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और जो वो करते थे उनके उसके बारे में तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। अभी समझना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि यहां से ये जो गम भरी भरी दास्तान और जो बातें लोग बयान करते हैं 10 दिन तक, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप देखोगे इसमें से कितने सारे अकीदे निकलते हैं। यहाँ पे जब आदमी जज्बात में बह जाता है और फिर वो चीजें होती है, उसके बाद रिजल्ट ही होता है कि कोई कहता है कि इमामत का कंसेप्ट है नबुवत के बाद, कि वही का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुका नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी वही का सिलसिला जारी है, 12 इमामों के पास वही आती थी। एक हम देखते हैं, एक मिर्जा गुलाम अहमद सरवर ने दावा किया कि मैं नबी हूं, तो उसके ताल्लुक से हमें कहा, हम देखते हैं कि मुसलमानों का इत्तेफाक है कि ये काफिर है वो। अब आप देख रहे हैं कि उसने कहा नबी के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे पास वही आई तो वो काफिर है, लेकिन आप खुद देख रहे हो यहाँ पे 12 इमामों के ताल्लुक से कहा जाता है कि उनके पास वही है। आप हदीस की किताबें देखोगे जो हमारे शिया भाइयों में है, तो वही देखोगे कि उसके अंदर इमाम से बात बयान की जा रही, वो सनद जारी अपने उन इमामों के पास तक वो सनद जा रही है। और ये मानना, फिर दूसरी चीज क्या अकीदा आया, जब ये इमोशंस बहुत बढ़ गए, मातम वगैरह जो जिस तरह से इमोशंस में लोग बह जाते हैं, तो उसके बाद एक अकीदा आया कि इमामों के पास इल्म गैब है, जबकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर एक अकीदा आया कि हम देखते हैं कि कुरान जो है बदला गया है, बदल चुका है, और मेहदी, इमाम मेहदी आएंगे तो वो फुल कुरान वो लेकर आएंगे, और बाज लोग इबादत के आमाल, इबादतें डेडिकेट करते हैं हुसैन रदिल्लाहु के लिए और दूसरे इमामों के लिए और बहुत कुछ और, बहुत कुछ और। तो ये चीज आई है यहां से, ये गम से, ये सारे मातम से एक इंसान की जो समझने की ताकत एक तरह से जैसे खत्म हो जाती है ऐसा लगता है। और मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो एक आप अगर विकिपीडिया पे जाएं, सेल्फ हार्म देखो, तो चार चीजें दी है कि कोई अपने आप को मारेगा ना तो बोले या तो मेंटल बीमारी है, या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, या तो शराब या ड्रग्स के नशे में है। तो सेल्फ हार्म जो है नॉर्मल सेन पर्सन नहीं करता, कोई भी अकलमंद इंसान नहीं करता। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपकी बेटी का हाथ मांगे और आपको नहीं, मैं नहीं देना चाहता, और वो आपके घर के बाहर अपने आप को मारने लगे, तो आप और उल्टा और नहीं देंगे? अब ये नहीं कहेंगे हाँ बहुत अच्छा आदमी है,
वो अपने आप को मारने लगे, छुरी से मारने लगे, तो आप क्या उस चीज को पसंद करेंगे? ये इंप्रेस हो जाएंगे कि क्या आदमी है, बल्कि बोलेंगे अच्छा हुआ मैंने ना बोला, ये तो कुछ गड़बड़ आदमी लग रहा है। मतलब सेन अकलमंद लोग है ना, अपने आप को नहीं मारते, ये बात समझना चाहिए। और ये मैंने जो बताया कि ये कॉपी करना है जूज और क्रिश्चियंस के तरीके को, उनकी किताबों में बेसिस है, उनके अंदर ये अमल पहले से चलता आया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना, हमारे मानने वालों में से वो नहीं है जो अपने गालों को पीटे, अपने गिरेबान को फाड़े और जाहिलियत की पुकारें पुकारे। जाहिलियत के जमाने में, इस्लाम से पहले लोगों का ऐसा मामला होता था। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम को कॉपी करता है फिर उन्हीं में से वो है। तो ये चीज मना की गई है। और आप देखो हम नॉन मुस्लिम्स को क्या पिक्चर दे रहे हैं, आप देख रहे हो नॉन मुस्लिम्स में, जैसे मैं आपको दो तीन मिसालें बताऊंगा कि ऐसे कंटिन्यूस मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले। ये मैंने दो तीन लिंक्स दिया है, गार्डियन, बीबीसी और टाइम्स वगैरह के आर्टिकल्स। तो उसके अंदर देख रहे हो कि शियाओं में जो जिस तरह से लोग मारते हैं, फोटोज आती है न्यूज़पेपर्स में, हर साल फोटोज आती है, और बच्चों के केसेस ऐसे आ जाते हैं कि फला बच्चा उसने अपने आप को मारा, उसमें क्या केस बना। और आप देखोगे कि इस तरह की जो आप अगर कोई भी आशूरा की फोटो सर्च करो तो आशूरे की फोटो गूगल सर्च वगैरह में वैसी ऐसी फोटोज आएगी जिसके अंदर ये मातम से लहू लुहान, इस्लाम का क्या इंट्रोडक्शन जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि यासीन हाशमी नाम के जब प्राइम मिनिस्टर थे इराक के, जब जिस जमाने में ब्रिटिश हुकूमत थी इराक में, वो जमाने में यासीन हाशमी गए थे लंदन में ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट करने के लिए कि आप हमारा, हमारी कंट्री को छोड़िए। तो ब्रिटिश लोगों ने उस वक्त पे कहा कि हम वी आर इन इराक टू हेल्प द इराकी पीपल अचीव हैप्पीनेस एंड गिव अप सैवेजरी, कि हम इराक में इसलिए ताकि इराकी लोगों को खुशी मिले और इस तरह से अपने सैवेजरी जो जैसे दरिंदगी खत्म हो। और फोटोज जो उन्होंने बताया, जो फिल्म बना करके लाए थे वो बनाया, तो आशूरा सेलिब्रेशन के अंदर जिसके अंदर लहू लुहान लोग हैं, और वो बता करके ब्रिटिश ने कहा तुम लोग कल्चर्ड लोग नहीं हो कि तुम तो अपने आप को ही मारते हो, इसीलिए हमें तुम पे हुकूमत करनी पड़ेगी। यानी ये पास्ट में ऐसी चीज कही भी गई है और लोगों के जहनों में भी आती है। और इस्लाम ने तो ये सिखाया कि बॉडी होती है ना, इसका हक है हम पर, इन्ना ली जसदिका अलैका हक्कुन, कि यकीनन तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। तो ये जिस्म का हम पर हक है, और ये है असल बात कि हमारी जिस्म का हक है, ये बॉडी को हम ऐसे लहू लुहान करें इसका कोई हक नहीं है। और तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है, और हमें हदीस मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ला दरारा वला दिरार, कि कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, ना उसका रेसिप्रोकेट, उसका कोई जवाबी तौर पे तकलीफ दी जाए। तो ये तकलीफ हम दे, ये तो अल्लाह की दी हुई अमानत का हम ख्याल नहीं रख रहे। और आगे आप ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना गम में आकर हम ना थे हुसैन, हम ना थे, आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते। भाई अल्लाह ताला ने जो चीज मुकर्रर की, तकदीर पे ईमान रखना, यही तो इस्लाम ने सिखाया ना कि जो चीज अल्लाह ताला ने मुकर्रर की वो होकर रहेगी। तो ये अल्लाह ताला ने ये शहादत की मौत उनके लिए रखी। और हम देखते हैं कि दोनों तरफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट में अल्लाह ताला हमें पूछने वाले नहीं, हमें जो पूछे जाएंगे, हमें जो पूछा जाएगा हमारे ईमान के ताल्लुक से, हमारे अकीदे के ताल्लुक से, हमारी इबादत के ताल्लुक से, उसकी हम फिक्र कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब शिया हजरात से मैंने जब ये बात देखी है तो वो क्या कहते हैं, तो पहले तो एक चीज जो तकिया टाइप की चीज है वो ये कहते हैं कि कोई मातम है ही नहीं शियाज़म में, बोले शियाज़म में मातम नहीं है, ऐसा कहते हैं। जबकि ये बात गलत है। आप उसके अंदर ऑफिशियल तौर पर देखोगे, जो ऑफिशियल तौर पर होता है कई सारे इसके ताल्लुक से बातें मिलेगी। तो ये एक 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 तरीका है जवाब देने का। एक तरीका उन्होंने ये कि कुरान में मिलता है कि गम से रो भी सकते हैं। तो आप देखोगे इमाम नववी ने सवाल का जवाब दिया कि गम से रोना एक बात है कि गम से आंखों में आंसू आए, जो चीज मना है वो जोर से रोना, नोहा करना, आंखों से आंसू आ गए ये चीज मना नहीं, जो चीज कंट्रोल में नहीं है वो चीज मना नहीं है। अब ये चीज तो आपके कंट्रोल में है ना कि आप छुरी लेकर अपने चेहरे पे मार रहे हो, सर पे मार रहे हो, अपनी पीठ पे मार रहे हो, हाँ सीना पीट रहे हो, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना। जो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आंखों में आंसू आ गए, तो ऐसे हार्श चीज नहीं है कि आंखों में आंसू ना आए। हाँ तो ये चीज आपको फर्क समझना है। और एक और चीज जो लोग कहते हैं, बाज़ शिया हज़रात ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि अहलुस सुन्ना में भी तो है मातम, हालांकि यहाँ पे इत्तफाक है, यहाँ पे इत्तफाक है अहलुस सुन्ना में कि कोई मातम नहीं है। हाँ कोई आप देख सकते हो कि कोई ऐसी हदीस हो सकती है जो हदीस ज़ईफ़ है, कोई हदीस मौजू है, कोई ऐसे आलिम है इंफरादी तौर पर किसी से मिस्टेक हो भी सकती है, कोई आलिम को ऐसी बात हो उनका सेंटेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के लाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई ऑथेंटिक स्कॉलर से भी गलती हो तो हमें सिखाया गया है कि कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाओ, रुद्दू इलल्लाह व रसूल। तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आप ये देखोगे ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर जो अहले सुन्ना और शिया के बीच में फर्क दिखता है। और यकीनन जिंदगी के इम्तिहान है, इम्तिहान के अंदर एक इंसान के सामने कई चीजें आती है और हमें चूज करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक इंसान चूज करे, यू डिसाइड कि अहले सुन्ना क्या चीज के लिए स्टैंड होते हैं, शिया क्या चीज के लिए स्टैंड होते हैं। एक इंसान देख सकता है और सिलेक्ट कर सकता है कि क्या सही रास्ता है।